हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद पिंकी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आम की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे आम से दो तरह की मिठाई। कोई भी गेस्ट आए तो आप इसे जल्दी से बना सकते हैं। इसे हमने बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी से बनाया है। इसे बनाने में हमें टाइम भी बहुत कम लगता है और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें, ये सबको बहुत पसंद आएगी। तो एक हम बनाएंगे मैंगो संदेश और दूसरी हम बनाएंगे मैंगो पनीर रोल। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे बनाने में हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हे गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर वीडियो फ्रॉम कुकिंग विद पिंकी। मैंगो संदेश बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 1 लीटर दूध लिया है, जिसे हमने बॉईल करने रख दिया था। जब वह बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, हम उसमें नींबू का रस डालेंगे। लगभग 4 से 5 छोटे चम्मच हमने इसमें नींबू का रस डाला है। इससे ये दूध फट जाएगा और हम इससे छेना तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो रेडीमेड पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये दूध फट गया है, इसमें से पानी और छेना एकदम अलग अलग हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। इस तरह से इसको हमने छलनी में डाल दिया है और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसे धो लेंगे, ताकि जो हमने नींबू डाला था उसका खट्टापन निकल जाएगा। और इसे हम हल्का हल्का सा दबा के इसका पानी निकाल देंगे। अभी हम इसे इस तरह से एक सूखे कपड़े में डालकर इसे इस तरह से बांध देंगे। इसे हल्के हल्के से दबाकर इसका सारा हम एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। छेने में से सारा पानी निकल गया है, ये देखिए एकदम ड्राई हो गया है। अब हम इसे हाथ से एकदम अच्छे से मैश कर लेंगे। ये जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता, हमें इसे अच्छे से इस तरह से मैश करना है। इसे हमने लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छे से मैश किया है। ये एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। अब हम मैंगो संदेश बनाते हैं। मैंगो संदेश बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप मैंगो का पल्प लिया है। मैंगो का छिलका हटाकर हमने उसे मिक्सी में पीस दिया था बिना पानी डाले। इसे हम एक पैन में लेंगे। हमें गैस का फ्लेम नहीं ऑन करना है अभी। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क पाउडर। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें 2 छोटे चम्मच पिसी हुई शक्कर डालेंगे। अगर आपको मीठा थोड़ा कम पसंद है तो आप शक्कर को स्किप भी कर सकते हैं। मिल्क पाउडर ऑलरेडी मीठा होता है, तो अगर आप शक्कर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अभी हम इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। इसे हमें कंटिन्यू लो फ्लेम पे हिलाते रहना है, नहीं तो नीचे से चिपक जाएगा। अभी हम इसमें लगभग 1/2 कप पनीर ऐड करेंगे, जो पनीर हमने मैश किया था। 1/2 कप पनीर डालकर इसे हम लो फ्लेम पे ही अच्छे से मिक्स करेंगे।
और इसे गाढ़ा होने तक हम पकने देंगे। देखिए ये एकदम अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अभी आप चाहें तो इसे कोई भी शेप, पेड़ा या कुछ किसी भी शेप में इसे बना सकते हैं, या फिर आप इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और चम्मच पे हमने थोड़ा सा घी लगाकर इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसे हमने इस तरह से अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी पिस्ता और बादाम की कतरन डाल रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। इसे हम हल्का सा चम्मच से प्रेस कर देंगे और ठंडी होने के बाद हम इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। ये जब तक ठंडी होती है हम हमारी मैंगो पनीर रोल बनाते हैं। मैंगो पनीर रोल बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये एक आम लिया है, उसका हमने छिलका हटा दिया है। अब हम इसकी पतली पतली स्लाइसेस में कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका ये फर्स्ट लेयर हम हटा देंगे। बहुत ज़्यादा पतली हमें नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा मोटा भी हमें इसे नहीं रखना है। मीडियम स्लाइस हम करेंगे। बहुत ज़्यादा पका हुआ आम हमें इसमें नहीं लेना है। इस तरह से हमने ये मैंगो की स्लाइसेस कर ली है। लगभग 2 मैंगो की हमने स्लाइस बनाई है। अभी हम जो हमारा आधा मैश किया हुआ पनीर है उसमें हम लगभग 2 छोटे चम्मच पीसी हुई शक्कर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें भी ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर डाल सकते हैं। शक्कर हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए अभी हम इसके छोटे छोटे से रोल बनाएंगे इस तरह से। अब हम मैंगो का एक स्लाइस लेंगे और जो हमने पनीर का रोल बनाया है उसे इस तरह से सेंटर में रखेंगे और एकदम हल्के हल्के हाथों से हम इस तरह से इसको रोल करेंगे। ये देखिए एकदम हल्के हाथों से हमें करना है, नहीं तो ये टूट सकता है। ये हमारा एक रोल तैयार है। इसी तरह से हम अभी दूसरा रोल बनाएंगे। इसके भी बीच में हम इस तरह से पनीर रोल रखेंगे और एकदम हल्के हाथों से रोल कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे रोल बनाकर तैयार करेंगे। ये हमारे मैंगो पनीर रोल तैयार है। हमारी दोनों मिठाई बनकर तैयार है। ये मैंगो संदेश जिसे हमने इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट किया है और हमारे मैंगो पनीर रोल भी तैयार है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।